नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ अर्श। और हाँ, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे माही भाई। 7 जून, ये डेट हर एक भारतीय को याद रहने वाला है, क्योंकि ये दिन ही कुछ खास है। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज का ये दिन हमारे लिए खास क्यों है। अरे भाई, खास तो होगा ना, हमारे माही भाई का जो जन्मदिन है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और उससे पहले थैंक यू धोनी, दुनिया की सारी ट्रॉफी जिताकर उसे टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी को सौंप देने के लिए। थैंक यू माही भाई, तुम्हारे उन पैरों का जो हमारी धड़कनों से भी तेज भागे। थैंक यू माही भाई, लास्ट बॉल 6 के लिए। थैंक यू धोनी, आपके उन क्रूशियल मोमेंट्स पर सही डिसीजन का, जिसने गेम का रुख बदल दिया। थैंक यू माही भाई, ये प्रूव करने के लिए कि धोनी है तो मुमकिन है। थैंक यू धोनी, ये बताने के लिए कि शहर छोटा हो सकता है, वहाँ के खिलाड़ियों का हौसला, उम्मीद और हुनर नहीं। और हाँ माही भाई, कौन कहता है आपके हेटर्स नहीं होंगे। आपके हेटर्स होंगे ना वो बॉलर्स जिनके आपने छक्के छुड़ा दिए। थैंक यू उस भरोसे का कि अगर आखिरी बॉल पर 6 रन चाहिए तो प्रेशर में आप नहीं बॉलर। थैंक यू विशाखापट्टनम 2005 के लिए। थैंक यू 91 नॉट आउट के लिए। और हाँ, एक बात बोलूं माही भाई, आप जैसा ना कोई था और ना ही होगा। और एक मेरी राय माने सब, अगर MS धोनी सेलिब्रेट कर रहे तो डेफिनेटली आउट ही होगा ना यार। तो थर्ड अंपायर तक जाने की क्या जरूरत है, बैट्समैन को खुद ही चले जाना चाहिए, क्योंकि उसको भी पता है MS धोनी सेलिब्रेट कर रहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, आउट तो आउट ही होने वाला है। एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि माही भाई, IPL 2021 के एंड में भी वापस डेफिनेटली नॉट को ट्रेंड कराया जाए।